देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ड्रीम प्रोजेक्ट था सिंदरी खाद कारखाना, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट काल के गाल में समा गया और सिंदरी कारखाना बंद हो गया। लेकिन फिर नए तरीके से सिंदरी को सुंदरी बनाने का प्रयास शुरू हुआ और अब बहुत जल्दी सिंदरी से सल्फर कोटेड यूरिया गोल्ड का उत्पादन शुरू हो सकता है। संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, नवंबर में इसका उद्घाटन हो सकता है, इसके संकेत लगातार मिल रहे हैं। वैसे केंद्र रसायन एवं उर्वरक मंत्री भी सिंदरी आने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया। केंद्र रसायन एवं उर्वरक सचिव रजत कुमार मिश्रा शनिवार को सिंदरी पहुंचे और उन्होंने हर्ल कारखाने का निरीक्षण किया। उनका कहना है कि सिंदरी खाद कारखाने में काम व्यवस्थित ढंग से चल रहा है, अब दूसरी यूनिट स्थापित करने की तैयारी है। बता दें कि सल्फर कोटेड यूरिया गोल्ड के उत्पादन से कम उर्वरक से अधिक फसल हो सकते हैं, मिट्टी की उत्पादन क्षमता भी नहीं घटेगी। 27 जुलाई को राजस्थान के सीकर में प्रधानमंत्री ने यूरिया गोल्ड लॉन्च किया था। फिलहाल सिंदरी में नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन हो रहा है, लेकिन जल्द ही यहाँ सल्फर कोटेड यूरिया गोल्ड का उत्पादन होगा। वैसे सिंदरी में पूरी क्षमता के साथ अभी उत्पादन शुरू नहीं हुआ है, मैनेजमेंट के सामने कई तरह की परेशानी आ रही है। सिंदरी में दबंगता की लड़ाई चल रही है, कौन कितना प्रबंधन पर दबाव बनाकर राजनीतिक रोटी सेक सकता है, इसकी कोशिश चल रही है। बावजूद सिंदरी कारखाने से उत्पादन शुरू होने से लोगों में आशा की नई किरण जगी है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।